आज सुबह सुबह मैंने देखा मेरी वाइफ नाश्ता बनाने से पहले इन टमाटरों को ऐसे तवे के ऊपर डालने लगी। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? टमाटरों को सुबह सुबह क्यों जला रही हो? वो बोली, टमाटर जला नहीं रही हूँ, आपके लिए एक काम की चीज़ बना रही हूँ। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो, ऐसे तो सारे टमाटर जल जाएंगे। तो उसने बोला, एक ऐसी चीज़ बनाऊँगी जिससे उंगलियाँ चाटते नहीं थकोगे। मैंने कहा, चलो फिर ट्राई कराओ। वो बोली, एक ऐसी चीज़ जो हमेशा घर पे आपने ट्राई ही नहीं करी होगी, इस तरीके से आज बना के दिखाएंगे एक आसान से तरीके से कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये ज़रूर बताएं दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है रागिनी जी को सूरत से और उमेश जी को बिहार से। आप देख सकते हैं, इसके लिए हमने कुछ फ्रेश टमाटर ले लिए हैं, एकदम फ्रेश हैं, और इनका ऊपर वाला छिलका उतार लीजिए। ऊपर वाला छिलका आसानी से उतर जाता है। देसी टमाटर लीजिएगा, उतने ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी, और बीच में से दो भाग कर दीजिए। 3, 4, 5 जितने टमाटर आप चाहें उतने ले सकते हैं इस रेसिपी के लिए। डिपेंड करता है आपकी इच्छा इसे कितना बनाने की है। दोस्तों सच बताऊं, इतनी ज़्यादा ये काम की टिप मुझे आज मेरी वाइफ ने बताई, इतनी काम की चीज़ उसने बना के दिखाई। मैं इसके पीछे रोज़ मिस कर रहा था कि क्या मिसिंग है खाने में, वो चीज़ जो हमारे को इसको और स्वादिष्ट बना सकती थी, लेकिन हम वो करना भूल गए या चूक गए। उसने क्या करा, इन टमाटरों को आधा आधा बीच में से दो भाग काट लिए। साथ ही में उसने क्या करा, एक लहसुन ले लिया साबुत, और साबुत लहसुन में से उसने कुछ इसकी फाड़ियाँ निकाल ली कुछ इस तरीके से। अब क्या करा, जो तवा हमने लिया था इस पर हल्का सा तेल डाला है, गैस को ऑन कर दिया है तेज़, और उसके बाद ये जो आधे आधे टमाटर करके रखे हैं ना दोस्तों, ये इसने सारे के सारे इसके ऊपर फैला दिए। जितनी क्वान्टिटी में बना रही थी उतने टमाटर ले लिए। मैं फिर सोच में पड़ गया, भैया ये बन क्या रहा है, कुछ तो बताओ, कुछ अच्छे से समझाओ, ताकि ये जो ख़ास चीज़ तुम बना के तैयार कर रही हो वो पता तो चले क्या है। उसने कहा, रुको, आज अगर मैं तुम्हें बता ही दूंगी तो सारा मज़ा ही तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। तुम देखो ये क्या बना रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, लेकिन उसने एक बात की गारंटी ली, अगर ये टेस्टी नहीं लगा ना तो आप ये मत कहना कि मेरे को किचन में काम करना आता है। इतना ज़्यादा उसने मेरे को इस बात पर ट्रस्ट करा दिया कि वो बहुत अच्छी चीज़ बना रही है। थोड़ा सा उसने लाल मिर्च ऐसे स्प्रिंकल करके इसको ढक के रख लिया। 2-1 मिनट के बाद उठा दिया, देखा तो लाल मिर्ची में ये टमाटर अच्छे से पक रहे थे। उसके बाद फिर से थोड़ी देर ढक के उसने 1-2 मिनट और पकाया, और उसके बाद वो बोली कि इनका आधा काम हो चुका है। टमाटरों को हमने लाल मिर्ची में अच्छे से पका लिया है, हल्का सा घुमा लेते हैं चाहे तो, नहीं तो अभी ढक के हल्का सा 1 मिनट और पका लेते हैं, टमाटर पूरी तरीके से गले नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, 1 मिनट और उसने ढक के पकाया। इसके बाद उसने कहा, मैं इसमें लगभग आधी कटोरी से 1 कटोरी पानी ऐड करूँगी, और उसके बाद अब इनको पानी में भी थोड़ा सा पकाऊँगी, क्योंकि पानी की भाप से इनमें एक अलग खट्टापन आता है, क्योंकि ये देसी टमाटर है। मैंने कहा, ठीक है, चलो पानी भी डाल के देख लेते हैं। तो उसने इसके बाद पानी डाला, लेकिन उससे पहले इसने क्या करा कि पानी डालने से पहले मैं इसमें लहसुन डालूंगी, क्योंकि लहसुन जो थे हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे, और ये लहसुन इसमें सोने पर सुहागा है। 1-2 मिनट इसने लहसुन भी पकाए, और लहसुन पकाने के बाद इसने क्या करा, इसके अंदर पानी डाल दिया जैसे मैंने आपको बताया था। तो चलिए दोस्तों, पानी को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही इसने पानी ऐड करा ना, इसमें एक अच्छा सा 1-2 मिनट के बाद जब हमने आँच को तेज रखा था, तो इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा। बॉयल और अच्छे से आने के लिए हमने क्या करा, इसे ढक दिया 1-2 मिनट के बाद। ये ढकने के बाद आप देखेंगे कितना अच्छा बॉयल आ गया। बस उसने कहा, अब हमारा समय आ चुका है गैस को बंद करने का। उसने लहसुन को और इन टमाटरों को अच्छे से पकाया, और दूसरी तरफ उसने क्या करा, एक चीज़ का बंदोबस्त करके रखा। एक बर्तन में उसने थोड़े से बर्फ़ ले ली। अब गैस बंद कर लेते हैं फटाफट से, और वही बर्तन में हमने बर्फ़ कैसे ली और क्या करा दिखाते हैं आपको। गैस बंद करने के बाद दोस्तों आसानी से आप देखेंगे कि कैसे हमारे जो टमाटर हैं वो निकल जाते हैं, और इस बर्फ़ के ऊपर इसलिए रखा ताकि इसमें गर्म और ठंडे का एक इफ़ेक्ट दे सके, जिससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा, रेसिपी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। सब्ज़ी नहीं बन रही है दोस्तों बिल्कुल भी, लेकिन गर्म और ठंडे से एक ये चीज़ बहुत हमें मिल जाती है। झटपट गर्म से झटपट ठंडे में ना स्वाद ही बहुत बढ़िया आता है, तो इसलिए हमें इसे हीट एंड कोल्ड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो सारे की सारी जो सामग्री थी, हमने टमाटर हैं और जो हमारे आप देख सकते हैं गार्लिक्स हैं, ये सारे के सारे हमें बाहर इस बर्फ़ के ऊपर रखने हैं 2-1 मिनट के लिए। चलिए, ये भुने हुए आपके टमाटर बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये बिल्कुल भी टमाटर का भरता नहीं बन रहा है यार। ये इतनी ख़ास टमाटर की आज एक डिश बनेगी जो मेरे घर में ना रोटी के साथ मिसिंग थी, और जब से बननी शुरू हुई है ना, आप मानोगे नहीं, रोटी तो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन 2 की जगह 4 रोटी खाना शुरू हो चुका हूँ दोस्तों।
ये क्या खास चीज़ बनी अभी आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, टमाटर सारे के सारे छिलके उतार लेने हैं और उसके बाद एक बर्तन में डाल लेने हैं। सारे टमाटर आप आसानी से इनके छिलके उतार लेंगे क्योंकि अभी अच्छे से पकाए हमने, तो छिलका उतरने में बिल्कुल समय नहीं लगता, ये तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए सारी हमें टमाटर की सामग्री मिल चुकी है और टमाटर के साथ साथ हमने इसमें लहसुन भी निकाल लेने थे, तो सारे टमाटर और लहसुन हमें अब मिल चुके हैं पके हुए अच्छे से तैयार हुए हुए। अब क्या कीजिए, आप इनको हाथ की मदद से, कैसे अभी बताता हूँ, हाथ की मदद से मसल लिए, दिखाते हैं आपको। ये सारी सामग्री को अब हम थोड़ा सा पानी ज़रूर डालेंगे, ये जो तेल के साथ भुना हुआ पानी था टमाटर का, ताकि इसका खुशबू आ सके तंदूरी, इसी पानी में ये पिसा था तो इसकी तंदूरी खुशबू आ जाती है। अब आप इसको करछी और हाथ की मदद से या फिर पाव भाजी वाले मिक्सर की मदद से आप इसे दबा दीजिए अच्छे से। हाथ से दबाने में अच्छा आता है, सिलबट्टे से भी आप दबा सकते हैं इसको। और उसके बाद मिक्स करते करते ये कुछ बहुत ही बढ़िया हमको टमाटर की प्यूरी मिल जाएगी। और इस टमाटर की प्यूरी में हम दो चीज़ें तीन चीज़ें खास ऐड करेंगे। ये जो टमाटर की प्यूरी है ये देखिए, जब हाथ से मिक्स करते जाते हैं तो कुछ इस तरीके की हमें मिल जाएगी। और इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चीज़ें और उन चीज़ों का मैं नाम लेता हूँ, तो मसाले, धनिया, काली मिर्च जो भी आपको पसंद हो, जैसे हमने नमक डाल दिया, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, साथ ही में हमने डाल दिया इसमें कुछ धनिया पाउडर और चाट मसाला और थोड़ा गरम मसाला। बस इसको आप अच्छे से, प्याज डालिए और धनिया डालिए इसमें। और जो टमाटर की जब चटनी ये बनके तैयार हुई है तंदूरी दोस्तों, एक बार इसको रोटी के साथ ट्राई कर लीजिएगा, सिर्फ एक बार मेरा कहना मान के इसे मिक्स कर लीजिए। और इसमें नींबू एक ज़रूर डाल दीजिएगा ऊपर से। मैं नींबू नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे खट्टा थोड़ा सा ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा। आप इसमें हल्का सा नींबू और डाल दीजिए ऊपर से। ये टमाटर की इतनी बेहतरीन चटनी तैयार हुई है दोस्तों, इसकी जितनी मैं तारीफ़ करूँ कम होगी। एक बार कटोरी में डालते हैं इसे, 2 मिनट सेट होने के लिए छोड़िएगा। 2 मिनट के बाद इसका रंग और बेहतर हो जाता है, आप देखेंगे। ये देखिए 2 मिनट के बाद ये टमाटर की चटनी को मैं कटोरी में निकालता हूँ। हल्का सा आपको मैं फिर से बोलूँगा, नींबू हमने नहीं डाला, आप डाल के एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों। ये टमाटर की चटनी मैं तो चला खाने, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा। और सच बोल रहा हूँ, जब भी घर में बनती है 2 की जगह 4 रोटी 5 रोटी खा जाता हूँ, मुँह में पानी आ चुका है, मेरे से इंतज़ार भी नहीं होगा, इतनी ज़्यादा ये यम्मी बन के तैयार हुई है रेसिपी दोस्तों। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हमारा थैंक्स आप तक पहुंच सके। आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, डिलीशियस फूड को कीमती समय देते हैं, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये चीज़ और बता दूँ कि जब भी ये चटनी को बनाएं तो इसका मसाले बड़े अप्रोप्रिएट रखिएगा। ज़्यादा तीखी हो गई तो रोटी का मज़ा नहीं आता, और अगर फीकी हो गई तो भी रोटी का मज़ा नहीं आता। तो आप ध्यान रखिएगा बनाते वक्त इसके मसाले एकदम एप्रोप्रिएट रखिएगा दोस्तों, और नींबू का खटास बहुत ही बढ़िया इसे बना देता है। मैं चलता हूँ फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए।